नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोहेल स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल शिष्या मित्रा पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के फॉर्म की स्थिति व स्टेटस कैसे चेक करें कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर बने रहिए और पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक और शेयर कर दें। तो मैं बिना समय गवाए हुए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको ब्राउजर में चिरंजीवी योजना टाइप कर लेना है और सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरह का नया पेज खुलकर सामने आएगा। उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो दोस्तों, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये आपको एक नए डैशबोर्ड के ऊपर लेके जाएगा। वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, सबसे पहले रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा और सेकंड नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो दोस्तों, आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको इस कोर्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करने इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। अब आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, रजिस्ट्रेशन की स्थिति खोजें और नीचे आपको दिखाई दे रहा है अपना जन आधार नंबर दर्ज करें। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना जन आधार नंबर दर्ज करना है और सर्च पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर एक जन आधार नंबर है, वो मैं यहाँ पर दर्ज कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर जन आधार नंबर दर्ज कर लिए हैं और सर्च पर क्लिक करता हूँ। सर्च पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये मेरे लाभार्थी का स्टेटस का डिटेल निकल के मेरे सामने आ जाती है। तो क्या क्या है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर लाभार्थी के फादर्स का नाम आता है और नीचे इसके नीचे एलिजिबल स्टेटस बता रहा है यस। यदि आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है या स्वीकार नहीं किया जाता है या रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी में नो आ जाता है। अब नीचे आ जाइए सर, यहाँ पर आपको इसके जन आधार नंबर बता रहा है, इसके नीचे नेम लाभार्थी का नेम आ रहा है और सर नीचे आने पर आपको कैटेगरी, आपने कौन सी कैटेगरी में आवेदन किया था। तो इस लाभार्थी का मैंने SMF कैटेगरी में आवेदन किया था, तो SMF कैटेगरी में बता रहा है। यदि आपने पेड में आवेदन किया होगा तो पेड का बताएगा यहाँ पर। अब नीचे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है मैसेज, मैसेज में लिखा हुआ आ रहा है डाटा फाउंड। तो इसका मतलब इसका फॉर्म सफलतापूर्वक स्वीकार किया गया है। यदि इसका फॉर्म सफलतापूर्वक स्वीकार नहीं किया होगा था नहीं नहीं किया जाता तो यहाँ पर डाटा नॉट फाउंड आता। तो दोस्तों, मुझे आपको यही छोटी सी अपडेट देनी थी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी हो तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दे ताकि मैं इस तरह की नई नई अपडेट आपके सामने तुरंत लाता रहूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।